अगस्त महीने में तीन बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होंगे जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। किन इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास वीडियो। सुपर मून। न्यू मून तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में होता है। फुल मून तब होता है जब चंद्रमा सन से अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है। सुपर मून ये वो शब्द है जो हमें एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोले ने 1979 में दिया। एक फुल मून और न्यू मून को सुपर मून तब कहा जाता है जब चंद्रमा 90% पास होता है पृथ्वी के क्लोजेस्ट पॉइंट से। कब दिखेगा? अगस्त के महीने में सुपर मून। अगस्त 30 या 31 को सुपर मून हमें दिखेगा और इस मून की डिस्टेंस अर्थ से सबसे पास होगी। इसके अलावा आपको पहले 1 अगस्त को भी सुपर मून देखने को मिलेगा। सितंबर 28 और 29 को भी सुपर मून दिखेगा, लेकिन इसकी डिस्टेंस जो अगस्त 31 और 30 वाले सुपर मून से है उससे ज़्यादा दूर होगी। क्या सुपर मून नॉर्मल मून से ज़्यादा ब्राइट होता है? हाँ, सुपर मून ज़्यादा ब्राइट होता है नॉर्मल मून से। एवरेज मून 8% ज़्यादा बड़ा होता है और ब्राइटनेस के मामले में वो 16% ज़्यादा चमकता है। तो जब आप सुपर मून के टाइम पे बाहर निकलेंगे तो आपको चांद अलग ही चमकता हुआ दिखेगा। 2015 से 2025 की सुपर मून टाइमलाइन। 28 सितंबर 2015, 14 नवंबर 2016, 3 दिसंबर 2017, 2 जनवरी 2018, 19 फरवरी 2019, 8 अप्रैल 2020, 26 मई 2021, 13 जुलाई 2022, 31 अगस्त 2023, 17 अक्टूबर 2024, 5 नवंबर 2025, जीरो शैडो डे। 25 अप्रैल 2023 को जीरो शैडो डे मनाया जाता है। इस दिन 12:17 PM पे सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर होगा, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए हमारे को अपनी शैडो नहीं दिखेगी। अगर आपने पहले जीरो शैडो डे को मिस कर दिया है तो चिंता मत कीजिए, 18 अगस्त 2023 को फिर से आपको इस दिन को मनाने का मौका मिलेगा। इस दिन पर आपको नोटिस होगा कि लंबी चीज़ें जैसे ट्रीज, बिल्डिंग्स और पोल्स, इनकी शैडो आपको ज़मीन पर नहीं दिखाई देगी। जीरो शैडो डे आपकी लोकेशन के हिसाब से मनाया जाता है। मतलब इंडिया में अगर वो 25 अप्रैल को मनाया जाएगा तो यूएसए में वो किसी और दिन पे मनाया जाएगा। ये फिनोमेना बड़ा ही मज़ेदार है, तो डेट याद रखिएगा। सैटर्न एट ऑपोजिशन। ये वो फिनोमेना है जिसमें अर्थ, सैटर्न और सन के बीच में होगा और ये तीनों एक ही सीध में आपको मिलेंगे। इसे हम कहते हैं सैटर्न एट ऑपोजिशन। इसकी वजह से हमें सैटर्न प्लैनेट देखने को मिलेगा और हम इस प्लैनेट की रिंग्स क्लियरली देख पाएंगे। कब दिखेगा हमें सैटर्न एट ऑपोजिशन? 27 अगस्त 2023 को दिन के 1:30 बजे हमें सैटर्न प्लैनेट और उसकी रिंग्स देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें अगले सैटर्न एट ऑपोजिशन 8 सितंबर 2024 और उसके बाद 25 सितंबर 2025 को देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वेट नहीं करना है तो कैलेंडर पे 27 अगस्त 2023 डेट मार्क कर लीजिए। तो ये तो थे अगस्त महीने के तीन बड़े इवेंट्स। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियो के लिए जनसत्ता को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।